तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार इस वाली वीडियो में हम लोग सीजन 17 के रॉयल पास की लीक्स देखते हैं। तो यार जितने भी मेरे पास सीजन 17 के रॉयल पास की लीक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यार बाकी काम हम लोग बाद में करते हैं, अभी पबजी मोबाइल का टीजर है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं कि इस टीज़र में चल क्या रहा है। तो यार हो कुछ ऐसा रहा है कि बाबा बैठ कर अपने काम कर रहा था, इसको अचानक से कुछ काम बाहर का आ रहा है, बाहर चले आता है और चला गया ये पता नहीं क्यों, ऐसे पता नहीं क्या काम आ रहा है इस बाबे को। तो इसके जाते ही 12 बज जाते हैं जिसकी वजह से सारे खिलौने भूत बन जाते हैं। अबे साले तभी नहीं, मतलब जिंदा हो जाते, भूत तो नहीं बनते। तो ये स्नोमैन अपनी नाक में पता नहीं क्या घुसा रहे, क्या घुसा के नाक बना रहा था अपनी, तो वो दूसरे पे हंसना शुरू हो गया और लड़ना शुरू हो गया। ये क्या चल रहा है भाई, हाँ हो क्या रहा है भाई भाई भाई, ये सब खिलौने जिंदा हो गए और ये खेलना कूदना शुरू हो गया। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सही है। तो हाँ भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। ये इस पर पत्थर चला के मार रहे हैं लेकिन रुक गए, गिर गए। तो यार अब वो बाबा वापस आ रहे हैं और ये इन लोगों को याद आ रहा है कि वो उसको आके पीटेगा और ये आ गया। जी गौरी आया है। तो यार खुशी की बात है बाबा गुस्सा नहीं हुआ, वो इन लोगों से खुश हुआ कि इन लोग क्या पागल लोग हैं, इन लोगों ने मेरी दुकान का क्या हाल कर दिया है। और अब वो बाबे भी उनके साथ है और वो घर सजाने में सब मिलके घर ही सजा रहे क्यों पता नहीं। अब वापस से गेट पर दस्तक आती है और ये पबजी वाले घुस गए भाई। तो यार पबजी वाले बंदूक लेके घुस जाते हैं जिसकी वजह से सबकी फट जाती है। और अब क्या करना है इन लोगों ने, ये लोग घर को देख रहे हैं। तो ये लड़की का जान खिलौनों की तरफ जाता है और ये खिलौना उठा लेती है इनमें से। तो यार वो लड़की इस खिलौने को देखकर खुश हो जाती है, वो लड़का एक और खिलौना उठा लेता है और गेम गया भाड़ में, ये लोग खिलौनों से खेलना शुरू हो गए। तो यार ये था हमारे पबजी मोबाइल का टीजर जो कि भाई कतई ओपी टाइप था। तो यार अब शुरू करते हैं भाई अगली चीज़ से जो कि यार इमोट्स। तो इमोट्स देखते हैं हम लोग। तो यार अब हम बात करने आ रहे हैं एक ऐसे इमोट के नाम, मतलब जो कतई ओपी है यार, मतलब ये बहुत लंबा इमोट है, ऐसी 4-5 सेकंड में ख़त्म नहीं आता। तो यार कमेंट्स में आप लोग बताने कि ये वाला इमोट आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यार अब जैसे मोड़ की बात करने आ रहे हैं भाई, वो कितने खतरनाक है यार, मतलब ये देखो भाई वो जो होता है ना, मतलब लॉबी के पीछे आके वो जो इमोट करता है, मतलब थोड़ा पीछे पीछे चले जाके इमोट करता है। तो यार ये वो इमोट है भाई जो कितने खतरनाक लग रहा है यार, ये पहले वाले से भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो यार ये पता नहीं क्या ये इसका मुंडा उठा के ले आया ये बंदा और ये क्या कर रहा है। तो
जो भी आ रही है इमोट बहुत अच्छे है। तो यार अब नेक्स्ट में इमोट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार ये वो इमोट है जो मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन ये उसमें आएगा हमारे फ्री रॉयल पास में, तो मतलब ठीक ही है फिर उस हिसाब से। तो यार अब बात करते हैं टायर रिवॉर्ड्स की, जो मतलब आप देख सकते हो जिसमें सीजन 17 का लोगो भी बना हुआ है, और मतलब पैराशूट की स्किन भी नज़र आ रही है, और एक और चीज़ नज़र आई होगी ओम की स्किन। तो यार ये है हमारा सीज़न 17 के गोल्ड टायर का रिवॉर्ड, जो कि इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो ठीक ही है। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यार ओम की स्किन। तो यार नेक्स्ट सीज़न डायमंड टायर पे ये ओम की स्किन आएगी भाई, जो मुझे बहुत पसंद आई है यार, तो अच्छी बात है, मेरे पास थी भी नहीं ओम की स्किन। तो यार नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो है सीज़न 17 का एस का पैराशूट, जो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। सीज़न 17 लिखा हुआ है ब्लू येलो तो नहीं है, ब्लू वाइट ऐसी थीम है कुछ इसका, जो कि बढ़िया है बस। चलो नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट चीज़ हमारी बैकपैक स्किन, जो यार बहुत ओपी है, जो मतलब क्रिस्टल टाइप थीम है इसका, और रॉयल पास में है मतलब सीजन 17 के। तो सीजन 17 का मतलब थीम ही कुछ ऐसे क्रिस्टल टाइप चीज़ें, फ्रोजन टाइप चीज़ें। तब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, जो मतलब हेलमेट है, और वो भी हमारे बैकपैक से मतलब मिलता जुलता ही क्रिस्टल टाइप है वो भी, तो बताया ना मतलब थीम ही उसका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट चीज़ हमारी नेड की स्किन भाई, जो मुझे भाई एक नंबर लगी है भाई, मतलब ये कुछ स्नोबॉल बना हुआ है इस पर, और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब स्नोबॉल की तरह ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 100 RP सूट। तो यार ये है हमारा 100 RP सूट, तो मुझे तो पसंद नहीं आया ये, क्यों मतलब अच्छा नहीं लग रहा। अब पता नहीं जब पबजी सीज़न 17 में आए तो कुछ अलग हो जाए, लेकिन अभी के लिए मुझे फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा। तो यार अब आती है हमारी स्कारल की स्किन, जो कि हमें पहली RP में मिलेगी रॉयल पास के, तो देख लो भाई बस यही है, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी स्किन आ चुकी हैं पहले भी स्कारल की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार नेक्स्ट चीज़ है हमारी ऑक की स्किन, जो कि बुरी नहीं है, मतलब अब ये पता नहीं इसका ये कहाँ मिलेगी, हमें रॉयल पास में मिलेगी या कहाँ मिलेगी, लेकिन अच्छी है यार ये स्किन, अच्छी है। तो यार अब आती है हमारी M249 की स्किन, जो कि भाई मतलब बहुत ही कोई ओपी है यार, मतलब अच्छी लग रही यार ये स्किन, लेकिन एक तरीके से देखो ना तो ऑक की स्किन जो थी ना उससे मतलब पूरी मिलती जुलती भी है। तो यार नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारी भाई पेन की स्किन, जो भाई मतलब नॉर्मल एक कलर हुआ है, मतलब अब क्या बताना है इसका, मतलब अच्छी है बुरी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई, जिसको देख कर तुम लोग हैरान हो जाओगे। तो यार यहाँ पर ड्रेस से ज़्यादा ना मुझे CAR98 की स्किन पसंद आई है भाई, मतलब क्या ही कोई लश स्किन है भाई, क्या बात करें भाई, मतलब अब इसका पता नहीं कहाँ है कि कैसे है कि, लेकिन स्किन बहुत टाइट स्किन है भाई। तो यार नेक्स्ट चीज़ में ये हमारे पास ये ओम DP और ग्रोजा की स्किन है, जिसमें से हमें चॉइस मिलेगी इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी भाई। आप लोग बताना आप लोग कौन सी गन चूज़ करोगे, मैं तो लेकिन अभी टायर में भी एक ओम की स्किन आ रही है, वैसे मैं ओम की स्किन का सोच रहा था, चलो देखेंगे, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार नेक्स्ट चीज़ है हमारी ये M416 की स्किन, जो कि हमें फ्री रॉयल पास में देखने को मिलेगी, लेकिन ये इतनी कोई खास नहीं है, बस ये थोड़ा ग्रीन और ब्लैक है, मतलब पसंद तो नहीं आई है स्किन, मतलब फ्री वालों के लिए तो ठीक ही है फिर। तो यार अब आती है हमारी मचेटी की स्किन, जिसको मचेटी जो नहीं कहेंगे अब ये सॉल्ट बना रही है पबजी वाले अंडे से, जो बहुत ओपी लग रहा है यार, मतलब अच्छा है, चलो ठीक है। तो बस अब मेरे पास इतनी रीच थी, तो जितनी मेरे पास थी वो मैंने दिखा दी, ठीक है। तो और आती रहेगी तो और दिखा दे, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।